नकुल को वापस बोल दो रिकॉर्ड करने के लिए एक बार। हेलो, आई एम जस्ट हियर एट द रेड कार्पेट, आई एम कमिंग, गिव मी वन मिनट, आई एम कमिंग। या ओके ओके, फटाफट पूछ ले, आप कॉलिंग इन साइड। वेल, अंदर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, मुझे भी बुलाया जा रहा है, मैं भी बस भाग रहा हूँ, बाहर आ गया था आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है, अच्छे अच्छे एक्ट्स हो रहे हैं, कुछ 3D मैपिंग के साथ हो रही है, सो इट्स लुकिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव सीन बिफोर। आपने रिहर्सल्स काफ़ी किए थे, कैसी रही परफॉर्मेंस आपकी? एक्चुअली रिहर्सल किए थे, लेकिन एंड तक आते आते सब कुछ चेंज हो गया तो अभी बस कर रहे हैं, जो बस जोश के साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आई होप पीपल लाइक इट। काफी जल्दी जाना, हम ज्यादा सवाल पूछ नहीं पाएंगे। सिर्फ जस्ट वांट टू नो ऑल ऑफ ऑल द मेन, यू आर द ओनली वन हु वांट रेड, बाकी सब लेडीज ने पहना था, तो क्या है ना, यू आर द ओनली मेटल सुपर विद बोथ द रेड कार्पेट एंड द रेड स्टार, कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी स्टार में से तो गोद लिया हुआ है इतने साल से, तो लाल रंग शायद इस वजह से दिया गया है, मैंने चूज नहीं किया, बट दे ओनली वांटेड मी टू वेयर रेड। नो नो, नॉट निशा, me and she don't say anything for clothes, but haan, shayad unki requirement thi to lal pehna diye. Thank you, small pose, and if you have balloons, small pose, no pose, अपना काम है। देखो मैं कैसे मुरझाए हुए बैठे, थके थे चेहरे ऐसे नटकड़ा, ऐसे कि आएंगे बाइक देंगे चले जाएंगे, करते रखे हो तो हमारी सब ने ऐसे पकड़े, तो मुझे खुद ही ऐसे लगा कि मैं भी बीमार सा पड़ जाऊँ, ले लो भाई बाइक, भाई लेनी है किसी ने, तो इसलिए भाई मुझे अंदर जाना, और मेरे अंदर बहुत आपको पता है ऑलवेज एनर्जी होती है, तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ, हमेशा अच्छी जगह लगाती हूँ, या वेस्ट अगर करूँगा अभी अच्छी जगह वेस्ट करूँ। थैंक यू जी। ये मेरा खुद का है, जो ड्रेस है आपका, ये ड्रेस वालों का है ये डिजाइनर का है, ये तख्तपोश जो लगा है ये आई थिंक कोई पुराने महाराज थे, राजा महाराजा, मुझे लगता है टीपू सुल्तान के टाइम का है, तो वो दिया। ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ एक्ट, ये जो ड्रेस है मेरा अभी वो करूँगा मैं, उसके बाद चेंज करूँगा, उसके बाद दूसरा जो एक्ट है उसमें देन सेकेंड कॉस्ट्यूम। बहुत यार, जब आप टी वी देखे तो आपको वाकई में लगा था कि ये जो मेहनत की है वो वाकई में मेहनत रंग लाएगी। 15 साल हो गए? नहीं, मुझे सब भाई, मुझे 6 साल हुए, 15 साल मुझे नहीं हुए, मुझे 6 साल हुए स्टार को, 15 स्टार परिवार को 15 साल हो चुके, बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारी शुभकामनाएं स्टार प्लस को, स्टार परिवार को, और मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल मैं भी 10 साल अपने पूरे करूँ स्टार प्लस के साथ और स्टार परिवार के साथ। यार मेरी बातों से एनर्जी लगेगी आपको या इन डंबलों से लगेगी? आई थिंक डंबल लगाने के बाद तो मैं थक जाता इंसान। मतलब मेरा बाइसेप फट जाएगा इसके बाद अगर मैं ये ज़्यादा ऐसे 2-4 बार किया ना, पढ़ेंगे मुझे लगता है आपको ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ ऑफकोर्स, कोई भी स्पोर्ट्स की गेम हो आज की जनरेशन में, वैसे मैं चाहता हूँ कि पहले सोसाइटी से अच्छा है कि आप जिम जाओ, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल जाओ, कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, डांस हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप ज़्यादा करो अच्छा है, बिकॉज क्योंकि आई थिंक हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा लोग नशे में बाकी चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको छोड़ के आप एक ऐसी जगह लगो जो आपको काम आए। बहुत अच्छा है, मतलब अंदर जाती ऐसे लगता फील लगे कि आप स्टार हो, स्टार की आप स्टार हो चाहिए स्टार। अरे कितनी बार कहेंगे, इनको खुद शर्म नहीं है तो हमें क्यों बता रहे तुम? अबे देखो ना यार,
भाई मुझे अंदर लेके जाना, उसने बाहर ही छोड़ दी कि मुझे। चलो थैंक यू सो मच। आज तक कभी सोचा भी नहीं मेरा को भी चल गया। आप उस तरफ आ जाओ। हाँ मैं कौन सा बैठ रहा हूँ? कोई भी। हाँ गुड इवनिंग। सॉरी प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। मतलब कैसा, आप इतने रिहर्सल्स किए थे, हमने देखा था आपको रिहर्सल्स मेहनत करते हुए, आज कैसी परफॉर्मेंस रही, किसको अवार्ड मिला कुछ बताया? अनफॉर्चुनेटली हमें नया सदस्य अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे छह में अभी बस छोटा सा बच्चा है, तो अभी हम मेहनत करके उसे बढ़ा रहे कर रहे हैं। एंड अभी भी 3 नॉमिनेशन बाकी है शाह परिवार के, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। एंड और जितनी हमने रिहर्सल की थी तो पूरी मेहनत हम स्टेज पे दिखा के आ चुके हैं, लेकिन वो व्यूवर्स को बताना है कि उन्हें हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा। संध्या वगैरह काफी लोग थे ना आपके साथ में? जी हाँ। हमने तो पूरा अपना ऑलमोस्ट 100% दिया है, और लोगों के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि उनको पसंद आ रहा है। तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, बहुत ही पावरफुल एक्ट था। गणेशा है ही इतना अच्छा फेस्टिवल, और जो गाना बनाया है बहुत ही उमदा था। तो परफॉर्मेंस तो हम लोगों ने आई थिंक ऑन स्टेज एक अलग ही एनर्जी से डांस किया है। आई थिंक आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस, वी रियली किल्ड इट। जैसे हमने आपको कहा था कि आई वाज जस्ट सेइंग, जैसे हमने पहले कहा था कि हम लोग बस आग लगाने वाले, देखा ना आग आई ना हमें से, आग लग गई। थैंक यू। मैंने जैसे आप देख सकते हैं मैंने पटियाला सलवार पहना है, एंड आई एम वेयरिंग अ गोल्डन कुर्ता ऑन टॉप, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन इंडो वेस्टर्न टच। मेरा एक प्रॉप भी था जो मैंने ततर में यूज़ किया था, लेकिन गणेशा के लिए मुझे निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ द एक्ट, बट वो भी एक प्रॉप था यहाँ पे एक स्कार्फ के जैसा था। एंड या दैट वाज अ कंप्लीट आउटफिट, आई रियली लाइक्ड इट। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा है ना। यू अमान माथुर के कैरेक्टर में मैंने ऐसा कभी नहीं पहना, ये इंडियन लुक है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ मैं आपको देख रही, क्योंकि फाइनली इंडियन पहनने को मिला। एंड मैं नीचे घाघरा पहना है, टिपिकल इंडियन घाघरा गुजराती स्टाइल में, जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्लिंगी है, और ऊपर मैंने इंडो वेस्टर्न चोली पहनी जो अमाय का टच है, और मैंने बिंदी भी लगाई है और इंडियन मेकअप किया है। तो एक्सेसरीज कम है क्योंकि ये इतना ब्लिंगी है, तो उसको अभी आप बताइए करने के लिए इसका वजन क्या होगा, आपने पूछा था ना हमें, बताइए इसका वजन क्या होगा?
बहुत ज्यादा कम है क्योंकि हमारे डिजाइनर इतने अच्छे हैं कि मैं इतना लाइट वेट बनाया कि मैं अच्छे से डांस कर सकूँ, अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। तो ये बहुत लाइट है लेकिन दिखने में बहुत हैवी। दोनों बाइक होते हैं पर एक चीज है योर टैग इज लाइक फैशन आइकॉन, हाउ डू यू टेक इट फैशनिस्टा? फैशनिस्टा बहुत अच्छा लगता है कि जीकेवी के थ्रू, सा परिवार के थ्रू मुझे एक अमाया का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, जो रियल लाइफ में मैं अपनी मतलब फैशनिस्टा नहीं हूँ लेकिन रियल लाइफ में बनी हूँ। और धीरे 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 24/7 अमाया का कैरेक्टर जी रही हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो फाइनली फैशनिस्टा बनते ही चली जा रही हूँ मैं। Fit and strong? Gym wala? You mean? Main? Okay, let's do it. Nahi yaar. Ye sab nahi hoga yaar. Ho gaya? Yay! और ये सच में भारी है, सबको लगेगा ये प्रॉप है, प्लीज ये भारी है, I don't know कितने भारी है यार। I hate you.